चौरैया से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां शादी के लिए तैयार दुल्हन की बारात नहीं आई। बारात के दिन लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की पक्ष ने दहेज का आरोप लगाया है। बता दें कि लड़की पक्ष ने तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किस मई को इटावा से जनेतपुर गांव में बारात आनी थी, और ऐसे में औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दुल्हन तैयार थी और ऐसे में उसकी बारात नहीं पहुंची। तो वहीं पीड़ित लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर दहेज का आरोप लगाया और इसी सिलसिले में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पीड़ित लड़की पक्ष लगातार दहेज का आरोप लगाते हुए नजर आए। 21 मई को इटावा से जनेतपुर गांव में बारात आनी थी और दूल्हे ने बारात से इनकार कर दिया। शादी के लिए तैयार दुल्हन की बारात नहीं आई। बारात के दिन लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है। लड़की पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किस मई को इटावा से जनेतपुर गांव में बारात आनी थी, ऐसे में बारात नहीं पहुंची। शादी के लिए तैयार दुल्हन जिसकी बारात नहीं पहुंच पाई, बारात के दिन लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। ये पूरा मामला दहेज को लेकर है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी रामजी परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, पूरा मामला क्या है? जी पूनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर गांव का है, जहां पर आपने इस तरीके से कई कार्यक्रम रद्द होते देखे होंगे, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो कैंसिल होती देखे। लेकिन यहाँ पर एक जो शादी का कैंसिल होने का मामला है जो सामने आया है, लड़की पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के दिन ही लड़की के हाथों में मेहंदी थी, वो रची रह गई और लड़के पक्ष ने शादी से दहेज को लेकर, एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शादी से इनकार कर दिया है। राम जी, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से लड़की पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि दहेज की मांग को लेकर लड़का पक्ष ने शादी के लिए इनकार कर दिया, उसी दिन बारात आनी थी और उसी दिन शाम को लड़के के पिताजी ने फोन कर लड़की के फोन पर जानकारी दी कि आज जो है मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शादी कैसे कर दी। इस तरीके से लड़की के पिता ने थाने में तिरखे सूचना दर्ज कराई और लड़के पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज की, पुलिस ने दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अगर इस तौर पर बात की जो लड़की पक्ष का, लड़की का जो कहना है, उसने ये भी कहा है कि शादी कैंसिल होने के वजह से लड़के के, लड़की की जो माता पिता थे उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन तमाम जो रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा समझाने बुझाने पर वो उनके मन को जो है वो सांत्वना मिली। जी चलिए, ठीक है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।